रिपोर्ट लेने आया कॉल से की है दुनिया के नाम से भी लोगों ने आईडीज बना ली है, लेकिन जो मेरा पर्सनल अकाउंट है गाइज, ये आप मुस्तफा का फेस देखेंगे, ये इमरान को मोबाइल दे रहा है और इसका आप इसका फेस देखे, चले दे दे आ चुका हूँ कचहरी से, ये देखिए कप ऑफ टी, ये मेरा नाश्ता है, आई एम ऑन डाइट। यस यस यस, ये कपकेक चाय जी गाइस, ये मेरा हो रहा है टी टाइम। हाँ जी, तो गाइस ये देखें, ये हसन गया नीचे, अब ये रो रहा है और जो ये दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, ये तो अल्लाह का शुक्र है ये खोल नहीं सकता, नीचे है टोटल सीढ़ी, ठीक है ना। उमन एक मिनट, अब ये इसको खोल रहा है, इसको ना हाथ लगा रहा है और इसको भी कोशिश करता है खोलने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये दरवाजा ना थोड़ा सा ना ये अंदर इस साइड पे ना, इसलिए इसका उंगली नहीं जाती, नहीं ये बारीक सी उंगली से इधर भी घुसा रही है, और इसकी फुल कोशिश है कि ये किसी तरह ना नीचे होती है। ये देखिए ये देख दसो हूँ इन कि अकल सिखाई, ये हाँ ये भी एक साल की आइटम है जी, ये देखिए ये जी मुट्टूपा कहाँ जाना है बाबा ने उमन कहाँ जाना चाह रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज के ब्लॉग का आगाज जी स्टार्ट तो इमरान ने कर ही दिया था, आपने ब्लॉग देख लिया होगा, इमरान ने मुस्तफा को आपको दिखा रहे थे, और बस ऐसे ही जी आज का ब्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, और आज हम लोग जा रहे हैं, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ जा रही हूँ। जैसे कि कल के ब्लॉग में दिखाया था कि जी मानो ने एग्जाम्स में बड़े अच्छे नंबर लेके मानो पास हुई है, और हमने सोचा है कि उसको फिर ना सबने उसकी मदर ने घर में दावत रखी हुई है, और माशाल्लाह से जी सब आएंगे और गेट टुगेदर होगा, और हमने सोचा है कि गिफ्ट क्या दिया जाए। गिफ्ट में बच्चों को आपको पता है बास्केट्स तो बच्चों को पसंद होती ही हैं, तो हमने कहा एक बास्केट तैयार करवा लेते हैं और साथ पैसे भी दे देंगे, और बास्केट से ये कि बच्चे जरा खुश हो जाते हैं, खाते पीते रहते हैं ना, कुछ चार पांच दिन उनके जरा अच्छे गुजर जाते हैं। तो इसलिए अब मैं जा रही थी मार्केट, और मिस वरीशा भी आ चुकी है, मिस वरीशा कहती है कि मैंने साथ जाना ही जाना है, और देखिए मिस वरीशा को साथ लेके जाते हैं, और हुरम तो एज यूजुअल साथ जाएगी जाएगी, और अभी तक इनकी ट्यूशन वाली टीचर नहीं आई, देखिए वो आती हैं, उनका वेट करके फिर हम लोग निकलते हैं। और आप लोगों का दिन कैसा चल रहा है, और व्लॉग्स पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो जोहा वरीशा की आईडीज का सबने कहा था, और बाकी हुरम की दुनिया के अलावा वरीशा जोहा की कोई आईडी नहीं है, अगर आपको कोई आईडीज से कोई कमेंट करता है या आपको आईडीज के ऊपर कुछ लिखा होता है कि मिस वरीशा ये कह रही है, मिस जोहा ये कह रही है, और ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरी ये जो हुरम की दुनिया ऑफिशियल आईडी है ना, इनके अलावा हमारी कोई आईडीज नहीं है। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि जोहा वरीशा के अलावा भी सेकंड जो है वो हुरम की दुनिया के नाम से भी लोगों ने आईडीज बना ली है, लेकिन जो मेरा पर्सनल अकाउंट है इंशाल्लाह उस पर ब्लू टिक भी अनकरीब लग ही जाएगा, बट ये कि जो हुरम की दुनिया सना के नाम से मेरी ऑफिशियल आईडी है, यही आईडी है इंस्टाग्राम पे, और मेरी एक और आईडी है सना नदीम के नाम से, ये दो आईडीज हैं, एक इमरान की आईडी है इमरान शरीफ के नाम से एडवोकेट, और इसके अलावा हमारी तीन आईडीज के अलावा जोहा वरीशा की तो सवाल ही नहीं पैदा होता, पता नहीं लोगों ने क्यों बनानी शुरू कर दी है, उनको तो परमिशन ही नहीं है, वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी वीडियोस अपलोड कर देती हैं, बाकी पर्सनल उनको कोई परमिशन नहीं है किसी मैसेज का रिप्लाई किसी कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, और लोग आईडीज उनकी बना के उसके ऊपर लिखते हैं जी बताएं आपके पास कौन सा मोबाइल है, आपको खाने में क्या पसंद है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जी हमारे उसमें, आप जो हमारे आईडीज पे आके वीडियोज और वो देखते हैं उनको पसंद भी करें, और अगर आपको लगता है कि कोई आईडी आपको तो आप मुझे कमेंट्स में लास्ट में यूट्यूब पे स्पेशली आके बताएं कि आपको और कौन कौन सी जोहा वरीशा की आईडीज मिली हैं। जी गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं मानो को गिफ्ट लेने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम, ये है मिस। हेलो मिस, आप भी कुछ सलाम कर दें। अस्सलाम, आप भी कर दें। गाइस, मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा रश है और ये रैली निकली हुई है और ये आप देख लीजिए, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी ब्लॉक हुई है। फूल वगैरह भी कोई फेंक रहे हैं। और इधर बैंड भी गाइस, ये देखेंगे बैंड वाले भी खड़े किए हुए लोगों ने फुल। ये देखें, ढोल वाले भी हैं। ले ये देख लो, ढोल वाले, ढोल वालों का कलर देख ले हैं, पूरा पेंचा येलो शॉकिंग। ये देखें, और ये इधर हो रहा है, फूल शूल फेंक रहे हैं काफी। मार्केट में तो आज काफी ज्यादा रश है। मिस फरीशा, अपनी कजन के लिए सबसे पहले मजेदार से यम्मी चीजें रखते हुए। इसको पता है फरीशा को ना, ये मानो क्या खाती है। कभी पापा मैं लेती हूं। ये देखें गाइस, ये अपनी चीजें भी साथ साथ पसंद करना स्टार्ट हो गई। मिस फरीशा कहाँ चली गई? फरीशा यार, दालों वाले सेक्शन में नहीं मानो को कुछ अच्छा लगेगा। फरीशा रेमन लेने लगी हो, मानो को रेमन नूडल्स पसंद है। मैं तो कह रही वो बड़े वाला पैक ले लो। नहीं, नहीं, उसको ये पसंद है, पिंक वाला पसंद है उसको, रेड वाला। गाइस ये कंफ्यूज पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी चीज़ लो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि कोरियन पसंद है उसको। गाइस आजकल की गर्ल्स जो है फुल कोरियन चीज़ें पसंद करती हैं गाइस, और वो चिली मिली भी उसको पसंद होती है। गाइस ये देखें गाइस, ये बिस्किट्स के ये जो फैन है जी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। फेवरेट है वरीशा, फेवरेट चीजें रख ली अपनी। मासर मुस्तफा का सरीला क्या है, मुंह में नहीं डालते चीजें। चलो देखें ये जब भी क्यों नहीं बात करी, देखना क्या मसला, जब भी कहीं आते जरूरी होता है आपका हर चीज लेके जाना। जो जरा पापा उधर है ना, ये नखरे पापा को दिखाओ। वरीशा वरीशा आपने ले लिया, मानो की सारी पसंदीदा चीजें। हाँ जी, नेट किस कलर के लगाएंगे दिखाए जरा नेट भाई, कौन कौन से कलर। यही तो फिर है, कोई भी चीज बच जाए वो यूज शुरू हो जाती है। ये देखें गाइस, ये अभी से चीजें निकाल के और यहाँ खाना स्टार्ट। मुस्तफा के लिए क्या लिया, दिखाओ तो क्या लिया इसने, फजूल चीजें ली है। ये छोटी छोटी रेजर है इसमें, ये पेंसिल है, ये भी रेजर है। बस करो, सारा दिन पानी फेंकता रहेगा हमारे ऊपर। सारा दिन तोड़ दे पानी। 110 की है। नहीं 110 की बात नहीं है, उसने गिरानी, कोई और चीज ले लो छोटी सी। बच्चे खुश इसी चीज को देख के होता है। हम इधर आए हैं, कोई बास्केट देखनी है ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए, जिसमे ब्रश वगैरह ना होल्डर जो होता है। पीछे चेक करो जरा, मिस फरीशा करी ये ले लो, और इसमें सारा मेकअप और हर चीज आ जाएगा, बास्केट ले ले। वाह जी वाह, मिस फरीशा आपके तो क्या ही कहने हैं। ये नहीं ट्रांसपेरेंट, और इसमें मेकअप रख लें। इस तरह के आइडियाज मेरे बच्चों के अलावा और आपको कहीं मिल सकते हैं। मिस फरीशा तो देखो क्या कह रही, बास्केट ले लो और उसमें सारा मेकअप डाल, और तुम लोगों को ना सारों को बास्केट में डाल लो। मिस फरीशा को ये ब्राउन वाले पसंद आई है बास्केट, वाइट लगा सही, और ऐसे ही डेकोरेट होती है सही, जबरदस्त अच्छी लग रही है। हाँ जी सही, चले इसको लेते। ये जो है ना स्कूटी आपको, आपकी ये प्राइस क्या है स्कूटी की? 42। ये आपको बर्थडे पे लेके देनी है। कोई प्यारे से लेकर देना, इसको मैं लेकर देना। क्यों, क्या है ये? गंदी लगती है मुझे, जो गंदी सी होती है, जो प्यारी सी होती है। अच्छा चलो ठीक है, चलो चले, चलो हुरान, चलो हुरान, क्या देखो। हाँ चलो आ जाओ, चलो ये जी गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ माशाल्लाह नवीद के बेमिसाल दही भल्ले खाने, और ये देखिए आज तो इतना रश नहीं है। मेरी छोटी मंगवाइएगा लाले, दो छोटी प्लेटें और एक बाउल। पूरम क्या कह रही है वरीशा, किस चीज की अनबॉक्सिंग? ये देखें गाइस, ये देखें पूरम द व्लॉगर क्या कह रही है ना, अनबॉक्सिंग करे। मैंने कहा पत्नी मानो की टोकरी की तो नहीं कह रही? नहीं नहीं, वो अपने फाइल जोड़ी है उसकी। अच्छा, मैंने कहा कि मानो की ये जो बास्केट है इसकी ना अनबॉक्सिंग शुरू कर दे, पीछे बैठी बैठी। है पूरम सही जी।
ये देखें गाइस आ चुके हैं लाइव पर। फोन आ रहा है आपका, चले बासु ने अभी घर से फोन आया, यहाँ ना जल्दी अकेडमी से आ गया, इसकी अकेडमी ना चले। क्या मतलब अकेडमी से जल्दी आ गया? पता नहीं, मैं घर पे जोहा थी लेकिन फोन यहाँ ने उठाया। जब से आपने इसको मोबाइल लेके दिया ना? मैंने लेके दिया, जब से इसके पास मोबाइल आया फ्रॉड करना शुरू हो गया। हमने कहा इसको कोई नहीं कुछ नहीं लेके दिया, चलो ना इसकी अकेडमी चलते हैं, है ना? ऐसे थोड़ी नहीं देने दे, मैट्रिक के बीच लाने लाने सिर्फ मेरे ख्याल से 10 नंबर ले लेगा ये, हमारा नाम रोशन कर देगा। सही, चले अब सीधा पहले इसकी अकेडमी चलते हैं, ठीक है ना, ताकि आज इसका तो जरा राज फाश हो। चले जी गाइस, आपको मजेदार बात बतानी है। हुरम कह रही है कि घर चलो, और कह रही है उसकी अकेडमी ना जाओ, उसको घर जाके एक थप्पड़ मार देने। इसकी ना कह रही मेरे पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द दूर कोई नहीं हो रहा, वो जो गंदी सी पेंसिल नहीं है ना उसके जाके उसको तोड़ना, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। कह रहे थे उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग कर लेना, अनबॉक्सिंग ही सानू लड़ी हुई है। और हम ऐसे ही है बेबी, पूरा गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। हाँ बाकी यही मसला है क्या, की कहती है गिर जाएंगे यहाँ रास्ते में, अनबॉक्सिंग हो चुकी है, रेजर है ना छोटी छोटी। ऋषा क्या कह रही हो? मैंने कहा जोहा का मैसेज आया, कह रही है मेरे लिए कुछ लेते आना। कौन कह रही? जोहा बेटा उदय सर, तू को डंडा डुंडा चौंक लो, गजब बेइज्जती है। मेरे लिए लेते आना, अभी उसने असल में 500 रुपए की चीजें मंगवाई। हाँ वो कह रही है कि वो अपने पैसों की मंगवाई है ना, अपने पैसों, और पापा अपने पैसों से भी अब कुछ लेते हैं। वो नहीं तो जानते अपनी है, मेदा दे अपना उधर को डंडा डुंडा चौंक लो, कोई छतर छुतर नहीं लेते आना। अच्छे वाले देना, हड्डी वाले तो नहीं है ये सर? हड्डी वाले केले तो नहीं? हड्डियां नहीं, चलो साफ सुथरे दे रहा पिछू भी। हाँ ठीक है, दे दे 15-22 हम लोग आ चुके हैं आज अयान की अकेडमी, और अकेडमी तो ओपन है, तो मिस्टर अयान आज घर में क्या करे, इसके जरा फ्रेंड्स को भी जरा सारों को आज पकड़ते हैं, चले आज। सही जी, ये यान की अकेडमी है, है? हाँ जी हाँ जी, ये वाला ऑफिस है, चले रिपोर्ट लेने आए आपसे। आपसे कैसे? वही तो मैं पूछ रहा था, कॉल किससे की है? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ निकल गया। और यान ने ना इधर फोन करवाया जोहाज को, उसे कहा जी मुझे कोई लगी टाइप होगा, जोहा ने फोन किया जी घर में मम्मा पापा नहीं, छुट्टी लेके चला गया। और करवाया भी छोटी बहन से है? छोटी बहन से करवाया तो देखो जरा, जोहा घर पे अकेली थी ना, तो उसने कहा होगा जोहा फोन कर दो जरा। हाँ इशू यही था ना, फ्रॉड लगी। हाँ जोहा को फोन करके, जोहा का फोन, और ये देखिए जी गर्ल्स इधर बैठी हुई है जी। इसने पता क्या किया घर में, जोहा को फोन करवाया और कहा कि जी मेरे घर में बात कर लें मेरी सिस्टर से, और मेरी तबीयत खराब है मुझे छुट्टी दे दे। अच्छा बात सुनो, आपने अयान को नहीं बताना कि हम इसकी अकेडमी गए हैं, वैसे नॉर्मली आपने पूछना कि अयान क्या हुआ आप जल्दी आ गए हो? हाँ। लेकिन उसका क्या रिस्पॉन्स है, झूठ बोलता सच बोलता है। अच्छा चले ठीक चलो हाँ जी जी। अयान अयान मेरा बच्चा ना बोल लाइक है। हाँ जी मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे से नंबर ले, नाइन्थ इसने बहुत आला इम्तियाजी नंबरों से पास कर ली। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। जी बिल्कुल, तो अब ये आला तालीम के लिए मैट्रिक में दाखिल हो चुके हैं। हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ ये मैट्रिक करके यहाँ से और सीधा बैरिस्टर बार एट लॉ करने के लिए इंग्लैंड तशरीफ ले जाए <एक्टिक आए। laughs> तो वहाँ से जब इंग्लैंड बार एट लॉ करके आएंगे तो फिर ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे, जैसे कायदे आजम ने किया था, ये तो है मेरे ख्वाब। हाँ जी, अब कुछ है मेरे प्यारे से बेटे की हरकतें, आज आप इतनी जल्दी आ गए अकेडमी से यार, तबीयत खराब है, क्या हुआ मेरे बेटे की तबीयत? तो छुट्टी कैसे दे दी उन्होंने यार इतनी जल्दी? जोहा क्या जोहा क्या कॉल करके उन्हें कहा? मैंने कॉल किया, आपने साथ कॉल किया नहीं उठाई, मम्मा को भी किया, इसने फिर उठाई थी। मैंने तभी उनको क्या हो गया था, तभी एलर्जी एलर्जी हो गई थी, अभी ये मोबाइल पे लगा हुआ था, जैसे इसने मेरी आवाज सुनी है ना शर्ट उतर करके ना देखी, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
मैं चाहना कि तू ना मेरा बेटा पढ़ है, अल्लाह तुम कामयाब करे, इंज नहीं करी दा हुंदा मेरा बेटा। किसने मुस्तफा को आगे कर दिया? कामयाबी के लिए ना पढ़ाई जरूरी होती है। ये मुस्तफा का यूज कर रहा है, जरूरी होती है क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि आप ना इधर से इम्तियाजी नंबरों में मैट्रिक करने के बाद और आप बाहर ला करने के लिए बाहर जाएंगे और वहां से पढ़ के आएंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, मेरे ख्वाब है ना। है आज आप हम आपकी अकेडमी पे गए पता, तो ये की ख्वाब ने मेरे साढ़े बारह जे है, सारे आपके फ्रेंड्स बाहर ही खड़े थे, ऐसा साढ़े बारह जे ख्वाब होता की बुढ़ा बुढ़ी मर मरा जाएंगे। हाँ। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा कि मम्मा पापा ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, मैं हाँ। तो बचपन में मेरी मजदूरियां चलती रही, मैं सड़कें साफ कर करके पढ़ा है ना मेरा बेटा। क्यों है? ये सबूत है मुस्तफा को सबक मिल रहा है गाइस, ये मुस्तफा को सबक मिल रहा है। ये गंजन इसको एलर्जी होगी और वहां पे इतना इसने ड्रामा किया हुआ है मुझे एलर्जी दिखाने का, आधा पेट नंगा करके अखा पैंगियां करके तेरी अली जैसी अल्लाह का खौफ कर यार, समझ गया ना। ये भी काटी कर रहा, ये भी काटी कर रहा यार, इसकी निकर ऊपर करो। तुम कौन लोग, कितने आंदे हो, कहां से आते हो यार आप लोग बेटा, पढ़ाई पढ़ना नहीं। ओ मामा को कहो कर दे बेबी, मैं सिर्फ ना जोहा को लालच होता है इससे कि जोहा इससे ना ये चीजें मंगवाएगी। हाँ जी गाइस, ये जोहा इससे ये चीजें मंगवाती है, अम्मी वाले के फोन कर दिए। जोहा तुम इसकी अम्मी बोल, हमने तो कहा, हमने कहा वो तो बिल्कुल छोटी सी है, जो छोटी बहन बड़ी आपी की उसका फोन आया था यार, बड़ी आपी का कहते फोन आया था। बड़ी आपी तो नहीं है इसकी, वरीशा की और जोहा की अकेडमी में हम सब जानते हैं, उसको उन्होंने जरा मजाक उड़ाना ना, उन्होंने कहा था आंटी हमने फॉलो किया हुआ हुरम की दुनिया को, इतने गर्ल्स ने भी अयान ऐसे मुझे थम्स अप कर रही थी। ये देखो हाँ इतना खुशगवार अकेडमी का माहौल था, ऐसा करोगे गॉड प्रॉमिस कर अल्लाह कसम से, मैं तो आपको कॉल की थी आप लोग उठाए नहीं देते। भाई मेरे बेटे को एलर्जी हो रही थी, खारशी हो रही थी, मैं करना खारशा हो रही है। अनबॉक्सिंग कर लिया आपने, ये देखें गाइस ये लेकर आई है, छोटी छोटी रेजर्स हैं, पेंसिल है, और मुस्तफा गौर से देख रहा है। हाँ जी मिजुआ, क्या किया था आपने अभी? कॉल करके कहता है मम्मा पापा तो उठा नहीं रहे, वरीशा है। मैंने कहा नहीं वरीशा नहीं है, तो कहता तेरी आवाज वरीशा जैसी है, तो तू ना प्रिंसिपल से ना मतलब कि उनसे बात कर ले, फिर तो मैं तुझे ना चीज लाके दूंगा। फिर चीज लाके दी है और उनको ये भी लगा कि मैं यहाँ की बड़ी आपती हूँ। तो आप बड़ी आपती, मैंने यही कहा कि इसको ना एलर्जी हुई, इसको छुट्टी दे दे। वो कहते ना बेटा इसको एलर्जी नहीं हुई, इन्होंने अवारगी चढ़ी हुई। कितनी हाँ। अच्छी प्रिंसिपल हमारी मैम, तो पीछे ही पड़ जाती है। क्या कहती नहीं करनी चाहिए आपकी मैम, अच्छी नहीं है दिखाना इधर आपकी मैम क्रिंच है, क्रिंच। और आपको बताऊंगा गाइस गर्ल सुना करना, इसका ना डाल देना इसकी मैडम भी ये ब्लॉग देख के, दिखा देना बच्चा अपनी मैम को क्रिंच कह रहा है। नहीं कहा ना मेरी मैम क्रिंच है, मैंने कहा नहीं आपने कहा, तो उसने बस वो कहा, मैंने तो उसके मेरे पास इसके मुंह में अल्फाज दिए और ये मुझे इसने पता क्या, मैंने कहा आपकी मैम क्रिंच है, पता क्या कहती देखना कैसे पापा हाँ नहीं नहीं आप बताइए आपका ये सीन कट करो, पापा कह रहे हैं इसने क्रिंच कह दिया। ओए मुस्तफा लोला तो चार ले आए, मुस्तफा परफ्यूम लेके आया पापा के साथ जाके, ये फूम ले आया पापा के, और मुस्तफा मुझे दे दो। सुन इतना दुखी हो गया, रो रहा सी इतना दुखी, आंखों में यहाँ यहाँ तक आंसू। और आपको मैंने कहा ना हुरम के लिए जब भी चीज लेनी है ना इसके लिए कुछ ना कुछ नया लिया करो। मैंने तो व्लॉग बना रही होती हूँ, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चीजें आप लोगों ने उठानी है, नया चीज लिया करो। आप ये देखो इसने देखा ना, वो देख रहा बच्चा इतना नहीं रुलाना चाहिए, और कहाँ गई वो मेरी बास्केट। बहुत ही गाइस ये तेज बच्ची है, तेज तरीन एटम है ये। आपने वो ड्रेस पहना है, और आप भी अपने ड्रेस निकाल लें। वाह मुझे बताओ आपने कौन सा ड्रेस पहनना है, मैं खोल रही हूँ अलमारी, मैं अब देख रही हूँ इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूँ मैं, और फिर रेडी होंगे। गाइस मुस्तफा बहुत ज्यादा रो रहा है, और यहाँ पे मैं बनानास खिला रही हूँ, मिजुहा इधर बैठी है, मिजुहा आज काफी ज्यादा आप थकी हुई है ना, और नोनू मुझे बहुत तंग कर रहा है, नोनू मुस्तफ़ा। और हम लोगों ने जाना भी है, जो 7:30 हो चुके हैं बेटा, मोना पप्पू के घर जाना है, आप लोग भी रेडी हो जाओ बेटा जल्दी से, बस पापा कह रहे थे 8 बजे तक चले जाएंगे।
और गाइस ये मुझे इतने बच्चों ने छोटों ने मेरे तंग किया, हूरम वहाँ छुप के बैठी हुई है, क्या हुआ है? जी गाइस अब हम पीने लगे हैं चाय, कप ऑफ टी। और ये देखें वरीषा तो हमारे साथ ना फिक्स हो गई है अब चाय पीने में। वरीषा भी आप छोटे से हो बेटा, और चाय हमारे साथ बड़े मजे ले लेके पीती है ना, छोटे बड़े चाय तो चाय होती। हमने भी वैसे जल्दी स्टार्ट कर दी थी छोटी एज में, हमारी नानी माँ हमें बड़ी बातें सुनाती होती थी कि बच्चे चाय नहीं पीते, बच्चे चाय नहीं पीते, बट हमारे बच्चे चाय पीते हैं। गाइस ये देखिए मुस्तफ़ा को सुला दिया है, बहुत भी तंग किया जिसने, कुछ इसकी तबीयत भी डिस्टर्ब थी। और व्लॉग का एंड कर दें जी गाइस को। चलें जी आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आज आपने बताना भी वीडियो कैसी लगी, ठीक है? और बहुत बहुत शुक्रिया आपके देखने का, प्यार करने का, सपोर्ट करने का, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया था। हाँ हाँ, कम से कम एक बंदे को तो शेयर किया करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। निशा आप भी अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं? अल्लाह हाफिज़ ये कहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नहीं तुम भी कह दो ना, क्या पता तुम्हारे कहने से आज ज़्यादा सब्सक्राइब लोग कर दें। ये कहेगा अयान क्या, अच्छा पता चल, ये देखिए क्या क्या किया गाइस मैंने, जैसे जो आज बहाना किया मैं इस वजह से ही आप कर सब्सक्राइब। तो गाइस आज जो मैं बहाना, सब्सक्राइब करें सर तुम्हारी है। अयान आपको पता आपके फ्रेंड्स भी मिले थे, वो कह रहे थे आंटी हमने आपको देखा है व्लॉग में हुरम की दुनिया। और काफी गर्ल्स भी मुझे ऐसे थम्स अप कर रही थी, सब थे आज, सब थे सिवाय तुम्हारे, कहते हैं अयान ना जल्दी चला गया है। तुम्हारे हर बंदे को पता है, गेट कीपर को भी पता है अयान अयान इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो भी हमें देखते ही कहता है चला गया आपका बच्चा, उसकी तबीयत खराब थी, चला गया बच्चा, बच्चे की तबीयत ही नीयत खराब थी है। ये देखें जी गाइस चाय को एंजॉय करते हुए, बिस्किट भी ले लो परीशा दो। ये गाइस ये देखें परीशा ने बिस्किट है, कोई दीदी है? हाँ ये देख ली, ये देख वैसे परीशा ये तूने क्या हरकत की, आप लोगों को तो पसंद नहीं है वेपर। हाँ गाइस ये सिर्फ ये बाप बेटी को पसंद है, कॉपी कैट है नहीं है। यान तुम्हें वेफर पसंद है? नहीं मुझे भी नहीं पसंद, देखो नहीं पसंद। बंदा सुपर खाए, और गाइस हमारे घर अगर गलती से मिठाई आ जाए, कौन मीठी चीज खाता है बंदा सुपर खाए, सुपर तो नमक दा बनाया हमारा। और गाइस ये अगर मिठाई हमारे घर गलती से आ जाए ना, आप यकीन करें कि वो मुझे लगता है एक दिन भी नहीं पूरा डब्बा चलता और ये फिनिश कर देता। और जी गाइज आज का व्लॉग इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।